और उत्तर प्रदेश के महोबा की रैली में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी का यह कहना है कि एक पार्टी को परिवार बचाने की चिंता है तो दूसरी पार्टी को सत्ता में आने की चिंता सता रही है। मोदी ने यह कहा कि यूपी में लोगों ने एसपी बीएसपी का खेल भांपकर केंद्र में बीजेपी की सत्ता बनाई है। मोदी ने कहा कि एसपी और बीएसपी बस यूपी को लूटना चाहती है और ये उन लोगों को टिकट देती है जो जमीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी को यूपी बनाने की चिंता है और यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यहाँ बीजेपी की सरकार लानी होगी। इस बार भी ज्यादा उलझन का मामला नहीं है जी। एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। आप तय कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश परिवार को बचाने के लिए खपा देंगे, क्या उत्तर प्रदेश किसी को कुर्सी देने के लिए खपा देंगे, क्या उत्तर प्रदेश बनाने के लिए खपा देंगे? निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। सपा की सरकार हो तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया, एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए। अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे, कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं। आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तब मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही खेल सपा बसपा का चल रहा है।